क्या फ्रेंड्स, आपने कभी मैनर की कड़ी खाया है? मैनर बहुत ही फायदेमंद औषधि होती है, हमारे शरीर के लिए जड़ी बूटी का काम करती है। यदि आपको पेट वगैरह की तकलीफ होगी तो मैनर को खाएंगे तो आपकी वो जड़ से खत्म हो जाती है इस पेट की समस्या। तो मैनर को हम धुल लिए हैं और उसका ऊपर का जो डंठल वाला पोर्शन है उसको कट कर लेते हैं और उसके चार चार पीस कर लिए हैं। इसके अंदर ऐसा बीज रहता है तो बीज को भी हम हटा देते हैं। ज़्यादा दिन का मैनर हो जाता है तो वो कड़ा हो जाता है, उसमें जाली आ जाती है, जैसे आम में जाली आ जाती है। तो कड़े मैनर को हटा दें क्योंकि उसकी अच्छी नहीं लगेगी कढ़ी या सब्जी। तो हमने मैनर को धुलकर रख दिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल, और इसमें हम मेथी दाना डाल देते हैं, आधी टीस्पून। मेथी को अच्छे से काला हो जाने देंगे। मेथी जब अच्छी काली हो जाती है तब इसमें अच्छा फ्लेवर आता है मेथी का। तो मेथी अच्छी काली हो गई है और ये मैनर को धोकर रख दिया था, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हटा लिया था, तो मैनर को भी इसमें ऐड कर दिया। तो मैनर के लिए तलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है क्योंकि मैनर कड़ा होता है, इसको तलने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लें। यदि ये नहीं पक पा रहे हैं तो आप इस बीच में थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे तो मैनर जल्दी पक जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसको ढककर पकाएंगे तो मैनर जल्दी से पककर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि मैंने मैनर की सब्जी का वीडियो डाला है, तो ये हमारे मैनर गोल्डन टाइप के हो गए हैं, हल्के रेडिश हो गए हैं। तो मैंने अभी इसमें नमक डाला है और इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा ही डाला है। तो मैनर हमारे पक गए हैं अच्छे से, अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहें, बहुत ही आसान है मैनर की कढ़ी बनाना। यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगी, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाना बताऊंगी और सारे इसमें टिप्स शेयर करूंगी कि कैसी हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी बनाने के लिए 2 कप हमने दही ले लिया है, हम दही की ही कढ़ी बनाएंगे। जैसे कि हम छाछ की कढ़ी बनाते हैं, छाछ या मही, तो वो नहीं करना है, हमको दही ही लेना है कढ़ी बनाने के लिए, तभी आपकी अच्छी बनेगी। इसके लिए हमने 1/2 कप बेसन लिया है और अभी हम इसमें पानी वगैरह मिक्स नहीं करेंगे, सीधे अभी इसको अच्छे से हमें फेंटना है ताकि बेसन में एक भी गुठलियाँ ना रहें, अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसमें एक भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, तो 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो उसी कढ़ाई में हम कढ़ी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल लिए हैं और हींग डाल दिया है, हींग का ज़रूर तड़का लगाएंगे। 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून राई और थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर देंगे। मेथी को अच्छा काला हो जाने देंगे और तड़का लगाने के लिए हमने लाल मिर्च ले लिया है, मेरे पास साबुत खड़ी मिर्च सूखी वाली नहीं थी तो लाल मिर्च ले लिया है, और कढ़ी पत्ता, इसका तड़का लगाते हैं, इसको अच्छे से चटक जाने देंगे। इसको भी हमने मिक्स कर लिया है, जो भी हमारा बैटर बनाया है दही वाला। और अब इसका छौंक लगाने के लिए हमने एक साइड थाली ले लिया है, बड़ी थाली, और एक कढ़ाई में जो कढ़ी का घोल बनाया है उसको ले लिया है। तो इसको जैसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे तुरंत इसको हमको बड़ी थाली से ढकना है, इसका जो छौंक लगाते हैं वो ओढ़ना नहीं चाहिए, यही मेन है इसका ट्रिक, कि इस तरीके से आपको छौंक लगाएंगे तो आपकी कढ़ी का जो है नेचुरल टेस्ट वो आपको मिलेगा और आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी कढ़ी। तो इसको 3 से 4 मिनट बाद खोला, छौंक लगाने के बाद प्लेट को हटा दिया, जो ढकी थी हमने प्लेट को, बड़ी थाली को। अब इसमें हमने, ये गाढ़ी लग रही है हमारी कढ़ी, तो इसमें हम 1 से 2 गिलास और पानी ऐड कर देते हैं, पानी आप सफिशेंट ऐड कर सकते हैं। यदि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप ऐसा इसमें चम्मच डाल देंगे तो आपकी ये कढ़ी नहीं गिरेगी, और जब भी आप कढ़ी बनाएं तो थोड़ी सा बड़े बर्तन में बनाएं ताकि उसमें आसानी से कढ़ी उबलने में प्रॉब्लम ना हो। जब भी हम कढ़ी बनाएंगे तो गहरे बर्तन में बनाएंगे और जिसमें ज़्यादा स्पेस हो। तो देखिए कढ़ी बिल्कुल ऊपर तक नहीं आ रही है, पैक नहीं है, इतना हम सफिशेंट रहने देंगे इसमें जगह कि ये जैसे उबले तो ऊपर साइड भी मलाई आए तो गिरे ना, क्योंकि ये जो मेन मलाई रहती है इसकी ऊपर की मलाई नहीं गिरना चाहिए। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और यदि आपको ये गाढ़ी लग रही है तो इसी समय उबलते टाइम आप पानी डाल दें, बाद में ना डालें। 15 से 20 मिनट बाद मैनर है जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था तो उसको ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मीडियम टू स्लो गैस करके पकने देंगे।
करीब आधा घंटे तो आप इसको उबालें तो आपकी कढ़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जितनी अच्छी पकेगी उतना अच्छा रहेगा। तो आप कढ़ी को एंजॉय करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी तब इसमें हमने हरी धनिया डाल दिया है कट करके। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप इसे एंजॉय करें। तो हम जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।